परिणमन के कारण से नहीं बिगड़ते,
अपितु निरंतर ज्ञानमय तेरा प्रणमन रहता है, उसको ना देखने के कारण परिणाम परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है हर स्थिति में धर्म की आराधना ना करना। जो हर स्थिति में अपने आत्मा को देखा करते हैं, परिस्थितियां उन पर प्रभाव नहीं डाला करती। वर्तमान में जिसका आतंक चल रहा है उसका ही उदाहरण लें तो ये उस पर इफेक्ट करता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। ऐसी उदय का कर्म का प्रभाव उस पर पड़ता है जिसका अंतर का प्रभाव ढीला है। मरुभूति तो कमर से प्रभावित हुआ, पर हाथी कुक्कड़ से, अग्निवेग महाराज गज से, वज्र नाभि महाराज सिंह से, आनंद मुन महाराज बाण से, इतने उपसर्गों से प्रभावित नहीं हुए। मरुभूति के भव का उपसर्ग और दूसरे भवों के उपसर्गों में कोई अंतर नहीं था। तो अंतर क्या था? अंतर में समता। इसलिए पकड़ में आता है, हम वन में चलाते हैं कथा, हाँ, अंतर में जो समता भाव है तो हमें कोई दुखी करने में समर्थ। अपने विषम रूप परिणामों के बिना हमें कोई दुखी नहीं कर सकता और अपने समता भाव के बिना कोई सुखी नहीं कर सकता। अतः कभी इस कथा को पढ़ने के बाद में ये मत विचारना लड़के के कारण दुखी है, मकान के कारण दुखी है, कुटुंब के कारण दुखी है। अगर हम दुखी हैं तो अपने परिणाम बिगाड़ने से। अगर आप अपने आनंद में परिणाम के साथ रहोगे, धर्म ध्यान के साथ रहोगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। सुखी होने की एक ही उपाय है कि वस्तु स्वरूप का सतत हमारे चित्त में अभ्यास रहना चाहिए। वस्तु स्वरूप बिचारी खुशी से सब दुख संकट साकर। प्रभु के मूल चरित्र की ओर अपन कथा बढ़ा रहे थे। 30 वर्ष की युवावस्था में राज और घर वैभव को छोड़कर जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया था। बोलो पार्श्वनाथ महामुनिराज की अद्भुत साधना। आत्मा को साधेगा उसकी साधना में कभी बिगाड़ नहीं होगा। साधना बिगड़ती है अपना उपयोग हर समय जो आत्म तत्व में साधता है वही साधक कहलाता है। आनंद जी हैं? अगर उपयोग को साधना सीख गया, उपयोग को उपयोग में साधना सीख जाते हैं, उनकी साधना कभी बिगड़ने वाली हर समय ये देखा करो। मेरा आनंद, मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरी प्रभुता कोई परद्रव्य छीनने में समर्थ नहीं है। मुनिराज 30 वर्ष की युवा अवस्था 175 जंगल में नग्नि दिगंबर मुद्रा में खड़े हुए हैं और एक स्तुतिकार ने तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए एक अलंकार भी कहा है। रति और कामदेव उसी समय निकले। रति और कामदेव नाम के कोई होते नहीं है। एक प्रकार से लोक की जो कल्पना है
विरति और कामदेव कोई भार में नहीं है, तेरे भीतर के छिपी हुए विकारी भार। तो जो कामदेव था वो अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहा था, कह रहा था मैंने ब्रह्मा को, मैंने इनको, मैंने इनको, मैंने इनको, सबको जीत लिया। हाँ, मैंने किसको नहीं जीता है, सब मेरे वशीभूत है। काम मतलब कामना है। लोक में यदि उसकी प्रसिद्धि है तो एक स्पर्श इंद्रिय यानी ब्रह्मचर्य से विपरीत परिणाम के लिए प्रसिद्धि है। परमाचार्य भगवान कहते हैं कि पांचों इंद्रिय के विषयों का नाम ही काम है। तो अपनी प्रशंसा करे जा रहा था पार्श कुमार पार्श मुनिया 30 वर्ष की युवा अवस्था, कल चली नग्न दिगंबर अवस्था में निर्जन वन में खड़े थे, ना कोई अस्त्र ना कोई वस्त्र, आनंद के साथ खड़े। तो रति बोली काय, तुम तो कह रहे थे कि हमने सभी जीत लाए, जे कैसे खड़े महाराज, इनके पास तो ना कछु हथियार वतियार कछु है ही नहीं है, और ये नग्न दिगंबर निर्विकार खड़े हैं, तुम्हारा प्रभाव इन पे का चल रहा हो, ना कोई स्त्री ना कोई वो, समझ में आया। वो से कह रहा था कि मैंने इनको जीता, ब्रह्मा जी को, इनको इनको बड़े बड़े को जीता है। वहां एक श्लोक भी बार में कवि ने लिखा है, वीरने में वीर प्रसिद्ध काम देव वीर, जाने जग वीरों को अधीर कर डारो है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर गणेश उस सर बारे ने सभी को ललकारो है। विश्वामित्र पारसर आदि ऋषि बस किए, ऐसो काम देव जिन देव ने ही मारो है। जाने जगवीरन को अधीर कर डारो है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर गणेश पुष्प सर वाले ने सभी को ललकारो है, जिनको सब में बस किए, लेकिन प्रारासर विश्वामित्र आदि ऋषि बस किए। वहां उनकी कथाएं आती है, हमने पढ़ा भी जनितर साहित्य का भी थोड़ा बहुत, वो क्या करें, सब कथाएं देखी है वहां, अपने जो धर्म परीक्षा में उठा के देख लो। ये सो काम देव कौन ने मारो है, जिन देवी ने मारो है। तू भी बोली कि क्या बात है, तुम तो कह रहे थे हमने सबको बड़े बड़ों को जीत लिया है, क्या कारण है, और ये कैसे खड़े महाराज। तो अब जब अपनी चलत नहीं है तब व्यक्ति क्या करेगा, हूँ प्रिय हूँ क्या करते हो बोलो ना। बोले क्या बताएं, इनने तो हमारे स्वामी मोय को ही जीत लिया, किंबा अहम किंकरा, हम किंकर कहाँ है। समझ आया, जहां मोए जीत जाता है वहां शेष कसाएं अपने आप जीत जाती हैं। इन्नी हमारे स्वामी मोए को जीत लिया है, हम किंकर कहाँ। प्रभु ने दीक्षा को लेने 2 दिवस बाद धन्य राजा को धन्य करने के लिए धन्य नाम भी आता है उस राजा का, और एक नाम और मिलता है ब्रह्मदत्त। क्या नाम, धन्य राजा या ब्रह्मदत्त को धन्य करने के लिए गुलम खेत नगर के मैं हार चरिया को पधारे। कौन सा नगर था, गुलमखेत नगर,
नगरवासी आनंद मना रहे थे, लेकिन कल कहां रोक दिए थे हैं? राजा के सामने जब गए तो योग से विधि मिल गई। अरे मुनराज की दृष्टि जिस पर पड़ गई है उसको वे राजा बना देते, उसको सामान्य नहीं रहने देते। क्यों? उसको जीव राजा कहते हैं, चैतन्य राजा कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं, प्रभु कहते हैं। राजा कहने लगा, आज मेरा दिन, आज मेरा जन्म, जब प्रभु रुखे मुनिराज पार्थ कुमार। और राजा बड़े प्रसन्नता के साथ में प्रभु का पड़गान कर रहे थे। आत्रो आत्रो तेष्टो तेष्टो भूमि सोदी मुनि को बताए श्रावक चंदन चलते फिरते सीधे प्रभु आए हैं। आज मेरी दूध का बनी छिलका हार अंजलि में राजा ने रखी है। मुनिराज पार्थ कुमार, मुनिराज पार्थ अंजलि में राजा ने, रानी ने सोच करके दी है, राजा ने मुनिराज के अंजलि में रखी है और वे मुनिराज ने शरीर को अर्पण कर दी है और वे तो अतिंद्रिय आनंद का पान कर रहे हैं। थोड़ा आहार लिया है, अनारी को देखने वाले साधकों को आहार की का लक्ष्य ही नहीं है। आहार लेने नहीं वो आए, अनारी दिखलाने आए। समय सारे का अमृत बरसाए गुरुवर आज मेरी समय सारे में प्रवचन सार में जिनका ज्ञान चरिया सो नियम सार दिखाए हैं गुरु अरे आज राज आते हैं परमानंद लाते हैं राज आते हैं परमानंद ला। राहुल कहाँ बैठे हो आप? कहाँ बैठे हो? गुल में का नाम, नगर का नाम क्या था? कठिन नगर है। हाँ, नगर इतना कठिन है कि अपन याद करना पड़ रहा। गुल में खेत नगर कहाँ? और वहाँ देखो पार्थ मुनिराज का हार हो रहा है और हम आनंद से अनुमोदन कर रहे हैं। हार हुआ, देवगणों ने पंचाक्षर प्रकट किए, हो दानम धन्य दानम, और हार लेकर मुनिराज तो मौन साधना करते हैं जंगल की ओर। पार्थ मुनि महाराज चले गए, भक्तगण गाते हुए जा रहे हैं। बे समय सार का अमृत, बे नियम सार का अमृत हम पर बरसाते हैं मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं राज आते हैं परमानंद लाते हैं। अरे तू तो है परमात्म स्वरूप, तू तो है परम गुणी
तुम्हारी मंगल रूप है। हमको आकर ज्ञाता की महिमा दिखाते हैं, मुनिराज आते हैं परमानंद ला। साधना आराधना करते हुए पार्श मुनि महाराज उनको देखते ही आत्मा याद, अहिंसा अच्छी लगने लगती थी, सत्य अच्छा लगने लगता था, आचोर अच्छा लगने लगता था, ब्रह्मचर्य अच्छा लगने लगता था, परिग्रह अपरिग्रह का जीवन अच्छा लगने लगता था। अच्छे दिन तब आते हैं जब अच्छे अच्छे लगने लगते हैं। आनंद जी क्या बोले, अच्छे दिन जब आते हैं जगमार जी ना? जब अच्छे अच्छे लगने लगते हैं, समय सारे चीज ने भा गया, नियम सारे चीज ने भा गया, नैमीश्वर प्रभु जिने भा गए, दिगंबर गुरुवर जिने भा गए, बेबड़े किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। पढ़ा रे, समय सारे चीज ने बा गया, बेबड़े किस्मत वाले हैं। आनंद भाई साहब बड़े किस्मत वाले हो, अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। जिन मंदिर विशाल बनेगा हम बड़े किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। सत्यालय में भगवान आ गए ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जिनको ये भगवान रुच गए उनकी अच्छी, ये भाग गए जिन वाणी अच्छी लग रही है, देव गुरु दिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं, गुरु महाराज अच्छे लगते हैं, अरे प्राण देने पर भी जैन शासन जिन्हें प्रिय लगता है कोई, अरे अगर कोई जैनी होगा रात्रि में भोजन करता हुआ नजर नहीं आएगा, अगर भोजन करता हुआ नजर ना आएगा, पानी छान कर पीता हुआ नजर आएगा, जिन पूजा करता हुआ नजर आएगा फांसी पर चढ़ा देंगे। उस काल में जैनियों ने जैन धर्म पाला था, पकड़ में आया कि नहीं आया? जब मुल्तान में पूरा वो लग गया चारों तरफ, ऐसे विशाल विशाल जिनने अपने महल बनवाए थे, जब आया कि अब धर्म पर संकट आने वाला है, पूरे के पूरे महल अटारियां भरी की भरी दुकानें भरा का भरा वैभव चले आए, और साथ में लेके आए थे तो जिन प्रतिमा और जिन वाणी, मुल्तान का इतिहास उठा करके देखो। लेकिन जब मुल्तान का इतिहास हमने बांचा, मैं तो बहुत बांचता हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। आपको कितनी मिलती है मुझे पता नहीं है, आपकी स्थूल बुद्धि, जिनकी स्थूल बुद्धि है उनको इन पुराणों से इन घटनाओं से प्रेरणा नहीं मिलती, मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। जब वे आ रहे थे, बस सच बोलता हूँ, इतना भीग जाता हूँ कई बार तो, जैसे नियम सार समय सार में भीगता हूँ, ऐसे वे पौराणिक कथाओं इतिहासों को पढ़ती हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंद ऐसे नहीं कर पाते हैं, लोग कहने लगे भैया जी आपने यहाँ बहुत अच्छी कथा ली थी, वहाँ चौराहे पे सुना देना। हम ना ले पाए, हम लेने वाले है ही नहीं है, सच बोलते हैं। कोई हमें शब्द रटे नहीं है, कोई हमें विषय रटा नहीं है, जो हम यहाँ सुनाएं सो वहां जा करके सुना दें। ये तो वर्तमान की विशुद्धि हो, तुम्हारे भाग्य पर जो निकलना है वो निकलना है। जब ये वहां से आ रहे थे आंखों में अश्रु थे, सब जितना राग होता उतना विकल्प, तो ऐसे महल बनवाए सब करे सब दोस्त, हमारे लिए स्वतंत्र देश हो गया था 1947, ये तो घटना भी की। और
उनके हमारे लिए तो देश स्वतंत्र हुआ था, उन पर प्रतंत्रता छा गई थी, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। और एक घटना तो ऐसी है, मुल्तान के जी लोग आए, कुछ सब ट्रेनें बंद, बसें बंद, जहाज की व्यवस्था बंद, मुल्तान से इधर आने के लिए, पाकिस्तान में था। और ऐसी धर्म नगरी थी कि हमारा उस मुल्तान से 300 वर्ष पहले का इतिहास जुड़ा था, पंडित टोडरमल जी के समय वह चिट्ठी गई। और आश्चर्य की बात बताएं, टोडरमल जी की वो चिट्ठी यदि कहीं सुरक्षित मिली तो वहीं मुल्तान वाले उसको लेके आए और आदर्श नगर में मिली, तब उस पर वो अपनी मोक्ष मातृकाशक में छपी और स्वामी जी आदि धर्मात्माओं ने, ज्ञानियों ने उस पर प्रवचन किया। ऐसे बोलिए तो मतलब जब ये आए तो क्या लेकर के आए, जिन प्रतिमाएं और शास्त्र। तुम क्या करते, शास्त्र जी तो कहूं मिल जाए, आश्चर्य की बात है। जी कुमार भाई साहब ये अगर रख लेना, अब जी का आय को रख ले, वहां नहीं मिलेंगे साथ। पूरे शास्त्र निकाल करके एक एक रख लिए। और जब उसने कहा कि भैया प्रतिमा और शास्त्र बहुत हो गए हैं, ये उड़ नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, पर हम तुमको नहीं ले जा पाएंगे, इतने लोग हो गए, आंखों में आंसू भरते हुए बोले, एक जन जा रहे हैं जान दो, हम सब नहीं जाएंगे, लेकिन जिन वाणी और जिन प्रतिमा जाएंगे। तो उनने ऐसी भक्ति देखी, वो ऐसा देखता रह गया, ये महापुरुष कौन है। बोले साहब जयपुर में तो आपको और प्रतिमा मिल जाएंगी। अरे प्रतिमा पत्थर मिल सकती है, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान को छोड़कर हम तन को नहीं बचाएंगे, भगवान को छोड़कर हम पैसे को नहीं बचाएंगे, और भगवान के पास आते रहना कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि तुम मंदिर ही बंद कर दो पर्दों के लिए, हाँ स्वाध्याय ही बंद कर दो, जी आतंक छा गया उस जैसे पहले जैसे, ऐसा नहीं कि साहब मंदिर ही नहीं आने अपने तो कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक है उनकी व्यवस्था उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन मंदिर पूजा स्वाध्याय दर्शन कभी नहीं बंद करना, ये तो प्राण भी जाने पर भी हमारे भगवंतों का थोड़ी कछु हो, कभी मन घबराना। अगर तुम्हारे साथ पुण्य और पवित्रता है, यहाँ आकर भगवंतों का नाम स्मरण करो, अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी पवित्रता बढ़ाओ, वे कह रहे हैं शरीर की क्षमता बढ़ाओ, हम कहते पुण्य बढ़ाओ, कुछ अपेक्ष करने वाला तुम उनके बीच में भी चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। और की तो बात हो, अगर अपना उदय नहीं है इसका अर्थ, और वास्तव में जो क्रूर लोग थे उनसे आया, अहिंसा का पालने वाले होते तो ये क्यों खड़ी हो रही, हिंसा को सही से खड़ी हो रही है पूरी की पूरी, पापों से जो खड़ी हो रही है। और एक और घटना हुआ मुल्तान का प्रसंग जब बनता है, कभी तो मुल्तान का मैं पूरा इतिहास लिखने का मेरा पद में डालने का भाव है, हाँ और पूरा सुनाने का भाव है। जब ये निकले आए हैं, जोधपुर आए हैं, जयपुर आए हैं, कैसी कछु जीविका नहीं, भोजन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, यहाँ उन पर बैन लगा हुआ है, कोई साथ संभालने वाला नहीं, प्रतिमाओं को लेकर जयपुर आए। जब एक परिवार और रह गया तो थोड़ी प्रतिमा रह गई थी, उनके दो तीन लोग रह गए थे, प्रतिमा और रह गई थी एक दो, रख ली विराजमान कर ली थी कि हम रुके। रातों रात स्वप्न आया, सुबह शीघ्र ही यहां से निकल जाना, अन्यथा यहाँ उपसर्ग आने वाला है। स्वप्न अपने तीन चार भाई लोग रह गए, दो तो सवा आ गए थे, तीन चार लोग रह गए, जैसे अपने चैत्यालय में विशाल मंदिर हो, एक प्रतिमा रख लें अपन थोड़े साथ रख लें, तो एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा न रख ली थी, और तो फिर लोग रह गए थे कि हम नहीं जा रहा पा रहे अपन, भैया तुम हमें दर्शन की व्यवस्था दो, एक प्रतिमा रह गई थी। तब वो स्वप्न आया और जिस सुबह बोले ऐसा ऐसा विकल्प खड़ा हुआ, तो बोले आया है और ऐसा कोई विकल्प है तो एक काम करो, जल्दी से अपन प्रतिमा लेकर निकल, और जिन प्रतिमा लेकर जो बस्ती से बाहर हुए हैं, सोई मुस्लिमों का बड़ा समूह ही आकर के जाको डंडा मारना, बाको डंडा मारना, इस घर में प्रवेश कर गए, उस घर में प्रवेश कर गए, मंदिरों में प्रवेश कर गए, ऐसा अत्याचार।
और जेकर बच करके जैसे तैसे भारत आया। लंबा इतिहास है। कहने का मतलब यह है ऐसी स्थितियों में भी धर्मात्माओं ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। हमको हर एक परिस्थिति में अपनी धर्म आराधना को सुरक्षित रखना। प्रभु का मांगलिक चरित्र मान रहे हैं। जंगल में मंगल के तत्व के साथ में खड़े हुए थे हैं? और उसी समय ऐसी तपस्या करते 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 प्रभु को बहुत समय हो गया। प्रभु तो आनंद का पान कर रहे थे। मुनिराज रही जंगल में, मुनिराज रही मंगल मंगल अंतर मगन है बाहर नगन। अंतरे में मंगल है जंगल गवाही है का। अंतर में मगन है तभी बाहर नगन हो पाते हैं। अंदर में मंगल है ती जंगल कह रहा है। बहुत दिन तपस्या करती है। एक दिवस आई क्षेत्र की भूमि में निर्जाल निर्जन वन में प्रभु आत्म ध्यान में मग्न खड़े थे। तभी क्या होता है काये ध्यानी मग्न थे। 175 ध्यान लास्ट का पैरा। ध्यानी मग्न थे पार्थ मुनि सर संबरे हरियो सर्ग किया। सात दिवस तक क्रोध भाव से व्यर्थ स्वयं को खिन्न हारा। बेरे अरे दस भव का क्षमा भाव समावर्तन में अंतरिच प्रभु अर असरूप सो आता है। पार्थ प्रभु के जीवन गाता सभी को आनंद दाता। पार्थ प्रभु के जीवन गाता सभी को आनंद दाता है। वेद विज्ञान जगाती और में समता भाव सदाता ध्यान में मन आनंद आनंद जगाता। प्रभु की ध्यान मग्न मुद्रा को देखकर और मिराज की ध्यान मग्न मुद्रा को देख करके भव्य जीवों को लग रहा था कि वो आत्मन आत्माई रत होने लायक है, संतुष्ट होने लायक है, तृप्त होने लायक है। पार्थ तीर्थंकर प्रभु की विशेषता होती है दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, उपदेश नहीं देते और केवल ज्ञान होने पर ध्वनि खिलती। वे मौन थे तथापि उपदेश दे रहे थे। हे भव्य जीवो चैतन्य में मग्न हो जाओ, चैतन्य में मग्न हो जाओ। बन के पशु आकर के भी चरणों में बैठ रहे थे, सिंह और खरगोश नेवला सर्प एक साथ प्रभु के चरणों में बैर भाव को छोड़ करके बैठे हुए थे वीरेंद्र भाई साहब। लेकिन आश्चर्य की बात है कि देखो वे बैर भाव छोड़ करके बैठ रहे थे और उस समय कोई आ गया
कमट का जीव महीपाल तापस ज्योति देवों में सबसे छोटा देव, ज्योति देव सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं, ज्योति देव कहलाते हैं। उसका नाम था संबरदी। क्या नाम था? ये तो कमट के पहले भाग से प्रसिद्धि होने से आखिरी तक कमट नाम चला है। हैं? एक कमट ने उस पर, कमट ने तो एक ही भव में किया था, हर एक भव में नाम बदले, लेकिन स्थूल रूप में अपन क्या कहते, कमट ने उपसर करो। उस देव का नाम कमट थोड़ी था, कमट का जीव। कमट का जीव होने से उसको कमट ही कहा। और दूसरा कारण, कमट ने उपसर्ग किया, इसका कारण क्या? कि जो कमट के भव में बैर था, वो बैर तो चलता ही रहा, बाहर की कमट की काया चली गई, लेकिन भीतर का कमट तो कण में आ गया। दोनों कारण से कमट बदला का, मरुभूति तो बदल गया, सम्य दृष्टि हो गया था, वो योग का योग जानने लगा था। पहले योग का योग का ज्ञान नहीं था, कहीं भी मूड हो गया था पहले भव में, तो इतनी गलती वही थी। सरलता इतनी थी कि योग के अयोग का विचार नहीं कर पाए थे, बस ऐसी सरलता थी। जैसे हम कहीं भी खोटे लोगों में ही हम चले जाए तो आपको भैया जी भा मत जाओ, कुछ नहीं होना। एक बार कोई समाज का ऐसा विवाद खड़ा हो गया तो हमने कही हम जा रहे हैं, बिन्ने हाथ पैर पकड़े हमारे, बोले साहब भा मत जाओ आप, क्यों? वे इतने तीव्र कसाई है कि भाई आपको भी ना गिने। हाँ आप मत जाओ। काय को विवाद हो रहा, हम चले जाएंगे तो संभालेंगे। कुछ नहीं होगा साहब, आप मत जाओ। फिर उन्होंने हमें रोक दिया, रखे। और वास्तव में पता चला कि एक आध गए भी तो भी हालत सही नहीं है। मतलब ऐसे लोगों के बीच में वो एक मूर्ता रही थी, लेकिन दूसरे भाव में योग का योग का विवेक हो गया था। तो कमट तो नहीं बदला, वोई का वोई चला आ रहा। मतलब क्या है? ये वही है। मतलब जब तक तुम्हारी कसाय नहीं मिटी तब तक तुम बदले नहीं, चाहे वो महीपाल राजा हो गया हो, चाहे वो तपस्वी हुआ हो, चाहे वो भील रहा हो, चाहे वो त्रियंचो की पर्यायों में रहा हो, कमठ नहीं बदला। ऐसी ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर का कमट बना रहे। मतलब क्या? दूसरा कमट बने तो बना रहे, लेकिन हमें कमट नहीं बनना है। हम कमट के अनुयायी नहीं है, हम पार्श्वनाथ के अनुयायी। क्या होता है? रुक गया विमान जो जा रहा था, तो विशेष जिनालय तीर्थंकर आदि रिद्धिधारी मुनीश्वर होते हैं, उनका कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि वहां से कोई वंदना करे बिना जा नहीं सकता है। तो विमान अटक गया। हाँ, जो पार्श्व मुनि महाराज के ऊपर जो विमान आया संबर का, संबर देव का, अटक गया। पूरी ताकत लगाई लेकिन वो नहीं बढ़ा, आगे बढ़ा ही नहीं। तो, हाँ, हमें बराबर है। हाँ, अब आपको चाह रहा है। तो वो जो विमान रुका, उसने कहा ये कौन है? कौन है जिसने मेरा विमान रोक दिया? उसने पूरा बल लगाया। अरे परमात्माओं के बल के आगे तेरा बल लगने वाला नहीं है, एक ही बल लगेगा। नीचे जा, भक्ति का बल बढ़ा, नमस्कार कर, विमान बढ़ जाएगा। भाई तुम्हारे विमान कोई रोके के ना रोके, पर जिनाले देख करके तुम भी रुक जाया कर। मतलब क्या? विमान विमान कुछ नहीं, कभी तो गाड़ियां ऐसी ले चले जाते झुकने का ही भाव नहीं है। और जबकि ज्ञानानंद साहब का चार जी में इतना दिया है कि कोई जिनाले यदि बीच में पड़ जाता है तो आपको दर्शन करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि नहीं बढ़ पा रहे हो तो कम से कम, और जहां तक आप अति असक्तता और सक्तता को मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिनाले आया 2 मिनट रुक जाओ, गाड़ी पर बैठे मत जाओ, कम से कम उसको
जिनाले के सामने से अगर आपको भगवंत दिखाई दे रहे हैं, मान स्तंभ दिखाई दे रहा है, और आप चलेगा ऐसे? हाँ वो समझ लो, हाँ विनय करके आ गए, हाँ प्रभु प्रभु आ गए। कई बार हम तो ऐसे रहते, ऐसे कोई दस ले आएगा, भैया भैया अब विनय, अगर आपके पास बोले एक मिनट तो लगेगा कम से कम विनय कर लें, अरे परमात्मा के सामने से ऐसे कैसे चले जाएंगे, और थोड़े पैदल चलो थोड़ा, अब तो भगवान के सामने आ गए अपन, तीन लोक के नाथ के सामने। राजा रहते थे ना, हाथी पे बैठ के आते थे आनंद में, और फिर हाथी को रोक देते थे, फिर नंगे पैर आते थे। और अब तो ऐसी हालत है कि गाड़ी भी चाहे तो मानस्तम तक ले जाए, अगर उनको बस चले ना तो अगर मेरे को बस चल जाए तो मानस्तम प्रतिभा जी के सामने जाकर रोक। इसलिए तो अच्छा है कि शिखर जी आदि में व्यवस्था नहीं बन पा रही, और जब तक नहीं बन पा रही तब तक ये उस क्षेत्र की विनय और महिमा है, और जिस दिन वो बन गई ना उस दिन ये विनय भाव रहेगा ही नहीं है। अब जो हो सो, मतलब अगर जाना बनी ना भी टोकन तक और जाना व्यवस्था बनी ना, तो फिर वो विनय जो एक भक्ति की थी चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है वो विमान रुक गया भाई विषय पे आन दो, तो जैसे ही विमान रुका वो नीचे आया, अरे ये कौन खड़ा है, अच्छा ये मायावी तूने मेरा विमान रोक रखा है, तू समझता क्या है, मेरी शक्ति को पहचानता नहीं है, छोड़ दे उस विमान को अन्यथा मैं अपनी शक्ति से तुझे हिला दूंगा। प्रभु तो खड़े थे अपने चैतन्य होने, क्या तू कुछ भी करता रहा, और उसको गुस्सा आए। जरूरी नहीं है कि हर एक भाव में संस्कार याद आ रहे हो, लेकिन संस्कार बस क्रोध है, जाति स्मरण कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है, तो एकदम आप ध्यान रखना। किसी को पुराण में आता है किसी को देखते ही आपको इसने उमड़ पड़े बिना कारण के, तो समझ लो आपका कोई पूर्वव का संबंध है, और किसी को बिना कारण के ही गुस्सा आए उसको देख करके, तो समझ लो कोई पूर्वव का बैर है, तो फिर क्या करो क्षमा मांग लो। इसने आए तो इसने भले देना, पर क्रोध आए ए वीरेंद्र भाई का तो क्या करना, क्षमा मांगना, उस समय क्रोध मत करना, क्योंकि ये समझना कि मेरे कोई इस व्यक्ति के प्रति पूर्व के क्रोध के संस्कार है जिसको देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए अब इसको निकाल दूं ना ये अगले भव जाऊं, अब मुझे ये सोच लेना चाहिए कि भगवान आत्मा है, और देखती उसको गुस्सा आई, तब उसने क्या किया, जो अच्छा तू मेरी शक्ति नहीं जानता। और उसी समय जब प्रभु भयंकर पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी, मुख से अग्नि छोड़ना शुरू कर दिए, भूत प्रेतों के रूप बनाए हुए नाच गान करने लगे, पुराण में आता है, और फिर अंत में तो ऐसी मूसलाधार बरसात उसने शुरू करी कि उस बरसात से पूरे वन्य पशु घबरा गए, पत्थरों की बरसात, और वो और प्रभु तो खड़े वैसे के वैसे चैतन्य के में मग्न है, वो पत्रों की वर्षा कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना तीर्थंकर का पुण्य ऐसा होता है कि उपसर्ग कोई कितना कर ले सीधे शरीर पर प्रभाव नहीं है, वो पत्थर डालेगा तुम ऐसे फेंकोगे पत्थर इधर गिरेगा शरीर पर गिर जाए ऐसा नहीं होता। इसीलिए कभी कल्पना मत किया करो धर्मेंद्र पद्मावती नाथ तो भगवान को क्या होता भगवान को कुछ नहीं होता, हाँ वे तो अपने बल पर खड़े थे, बेरक्षक नहीं थे। जो ऐसा जब मूसलाधार बरसातें हो रही थी उसी समय पूरे वन में आतंक छा, और योग से धरणेन्द्र का आसन कंपायमान हो हमारी उपकारी, आज यदि नाग से देव भयसो उन्हीं की कृपा से हुए, चलो सेवा करने का अवसर मिला है।
प्रभु तो पद्मावती से बोले हैं, प्रभु तो अपने में खड़े हैं, हम उनकी रक्षा क्या करेंगे। चैतन्य में जो रमे हैं चैतन्य से सुरक्षित है, उनको कुछ ही रक्षा की, धर्म से रक्षित है उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और जो धर्म से रक्षित नहीं है उसकी सुरक्षा कोई कर सकता नहीं। शास्त्र जी में बात कहता है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से रक्षित है, अहिंसा से, सत्य से, आचौर से, ब्रह्मचर्य से, भगवान आत्मा के श्रद्धान से, ज्ञान से, आचरण से उसको किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, और जो धर्म से रक्षित नहीं है उसकी कोई रक्षा कर सकता नहीं है। क्या किया, देख करके आए और भगवान को प्रणाम किया, ये प्रभु हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम क्या आपकी रक्षा और उपसर्ग को क्या दूर करें, क्योंकि आप तो उपसर्ग को दूर ही देख रहे हो, आत्मा का उत्सर्ग ही उपसर्ग है। क्या ये वाक्य याद रह जाते कि नहीं, कहानी अकेले नहीं सुना रहे, कहानी दवस पढ़वा तक जो आत्मा का उत्सर्ग ही, उत्सर्ग मतलब छूटना, वो ही उपसर्ग है। मेरा तो स्वरूप में खड़े थे, आनंद कर रहे थे, आनंद बरसाए मुनिवर, आनंद बरसाए गुरुवर, आदरणेन्दु उपसर्ग निवारा, पद्मा मंगल गाए, धन्य धन्य संप्रति दारी किंचित नहीं तिगाए। धनेन्द्र ने पत्रों की वर्षा को रोकने के लिए नाक का रूप बना, नाक का रूप क्यों बनाया, क्यों बोलो, हाँ? ये बताने के लिए कि हमें तो भगवान ने इस नाक की पर्याय से निकाला, कहां से निकाला था, हम देव नहीं, इतने अच्छे अच्छे आते हैं, प्रकरण आता है पांडव पुराण पद्म, हाँ पद्म पुराण, सुग्रीव के जीव को श्री रामचंद्र जी के जीव ने नमोकार मंत्र सुनाया था। सुग्रीव का जीव बैल के बम में था, तड़प रहा था, श्री राम जी का जीव शेर था, और निकले हो ये गौशाला में कैसा दुखी है, ये जीव को कैसा तड़प रहा है, गए निकट, तुम्हारे बहुत से लोग नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो एक फुट की दूरी है, कोई पशु पड़ा है वह नमो अरंताड़म भाई इतनी दूर से सुनाएंगे, ऐसे कछु नहीं होते। पहले नंबर तो बात्सल्य दिया जाता है, आनंद जी पहले उस पर हाथ फेरा जाता है तो उसको लगेगा कोई, उसके कष्ट को निवारा जाता है, बात्सल्य के बिना प्रभावनाएं नहीं होती, शुष्क सा उपदेश दे दिया, प्रवचन माया करो, बीमार पड़ा बेचारा, उसकी पहले दुख को दूर करो, उसकी समस्या समझो, उसकी दुख सुख दुख में आप शामिल होगे तो वो आपसे प्रभावित होगा, तब आप धर्म की महिमा करोगे तो धर्म से प्रभावित होगा। शब्दों से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, जीवन से प्रभावित होता है, जीवन से दिया गया उपदेश जीवंत होता है। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, जिनका जीवन ने मेरे ऊपर असर डाला है उनके जीवन से मैं प्रभावित हुआ हूं, मैंने प्रवचन भले कम सुने हो जीवन से प्रभावित हुआ। मानव का ऐसा जरूरी नहीं है कि बिन बहुत सारे प्रवचन और कक्षाएं हमको पढ़ाई हो तो हम प्रभावित हुए, लेकिन उनका जीवन हमें प्रभावित करता है, हम मान गए जो जीवन ने प्रभाव डाला था हमारे ऊपर, हाँ ये महापुरुष कैसा छुपा रहता है, तो क्या होता है, उसको नमोकार मन सुनाया और मर करके रंग नगर का राजा बना, राजा का पुत्र, और जब वो मिले आखिरी में एक ही दिमाग लेता था उसका, इतना अच्छा वर्णन आया है वो याद आता था, मैं तो बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं पढ़ा हूं, मुझे कोई नमोकार मंत्र सुना रहा है, कौन है वो कौन है, वो कौन है, हैं? पूरा जीवन चला गया, उसने मंदिर बनवाया अपने उपकारी को ढूंढने के लिए, मंदिर वो चित्र बनवाया, इस चित्र को जो देखा है वो गौर से देखा है,
डाय, ये तो वो स्थान है, मंदिर बन गया, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई का भाई बैल है। तो जो वो देखा सो बुलवाया और सुनाई कैसा है, सुनाया जी चित्र कैसे देख रहा है, अरे भाई मैंने यहाँ एक बैल को नमोकार मन सुनाया, पता नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन जी मंदिर बड़ा अच्छा लगा है। तब बोले अच्छा बाहर बनाता चित्र, तो बोले और सब वो बैल कहाँ गया है, पूरा नगर इकट्ठा था, राजकुमार की चाह थी, पैर पकड़े कि वो बैल में ही, क्या बोले नहीं नहीं आप तो नगर के महाराज हो, नगर का राजा और एक सेठ के पैर, नहीं नहीं आप तो कि मैं महाराज नहीं हूं, मैं बैल हूं साहब, उसी बैल ने को मुझे आपने निकाला है, तो ये धर्मेंद्र यदि नाग बन के आए थे तो कहे मैं देवता नहीं हूं, मैं तो वही नाग हूं जिसको प्रभु आपने निकाला था, मैं अपना उपकार चुकाने आया हूं जगत के जीवो, ऐसी नाग की पर्याय से जो हमें देव बना देते हैं और देव बनाकर देव स्वरूप भगवान आत्मा दिखा देते हैं, वे हमारे मुनिराज होते हैं, संत होते हैं, महान होते हैं। इसलिए आकर के जो ऊपर फण फैलाया है धर्मेंद्र ने, पद्मावती ने कमल की रचना करी और कमल से प्रभु चार अंगुल ऊपर, पद्मावती ने फण पे नहीं उठाया, पुराण में नहीं पढ़ा, हाँ स्त्री पर्याय है कहां से उठा लेंगी, नहीं छुआ, छुआ ही नहीं है, कमल की रचना कर दी है और वो तो भक्ति कर रही है। पद्मा मंगल गाए हैं, क्या धर्मेंद्र में शक्ति कम थी तो पद्मावती और दो ही मिलके कर रहे थे अगर कोई कहे तो धर्मेंद्र की शक्ति कोई कम थोड़ी थी, आप से करोगे तो आप ही तो लो, हम ही लोग तो करेंगे, तो प्रभु को छूने की मर्यादा वहां नहीं थी, इसलिए भक्ति कर रही थी, वो विनय बरत रही थी, तो वो तो साथ में थे, तो धर्मेंद्र पद्मावती दोनों का नाम आ गए, पुराण में नहीं है, धर्मेंद्र उस सर के दूध निवार रहे थे और उसी समय वे तो पूरा यत्न कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि उसी समय प्रभु तो अपने स्वरूप में मग्न हुए, सात में से आठवा नौवा दसवा बारवा और केवल ज्ञान उपासनाथ भगवान अही क्षेत्र अतीत क्षेत्र की, अही क्षेत्र क्षेत्र है ना, वहां पर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ था, हैं वो स्थान था जहाँ भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो केवल ज्ञान हुआ इंद्रों का आसन डोल उठा, कुबेर को आज्ञा दी विशाल समवसरण की रचना, चतुर निकाय देव राजा गण आकर के झुकने लगे, इंद्र आकर के देव गण आकर के भगवान के चरणार बिंदु में नमस्कार कर रहे, दिव्य देशना सुन रहे, जो उपसर्ग इतने दिवसों से धर्मेंद्र और पद्मावती ने निवार पा रहे थे केवल ज्ञान होते, वो उपसर्ग सहजी दूर हो गया, जब देखा कमट का जीव संवर, ओहो इंद्र महाराज कुबेर ये देव इनके चरणन में झुक रहे हैं, ओहो ये बड़े बड़े हमारे जितने व्यंतरों के 32 इंद्र, कल्पवासियों के 24 इंद्र, भवनालय 40 भवनवासियों के 40 वैंतर देवाने होती 32 वैंतर देवों के 32 कप्पा मर 24 कल्पवासियों के 24 चंदो सूरो नरो तिरियो, चंद्रमा सूर और दो मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती और सिंह, ऐसे 100 इंद्र भगवान के चरणों में झुकते हैं, सत सत इंद्र चरण में नमोते प्रभु की प्रभुता अपार रे, धन केवल ज्ञान हुआ। 100 इंद्र जब झुकने लगे तब वो संबर देव विचारने लगा, इतना महान वैभवशाली और इन सब के द्वारा पूजे जाने वाले, और इनने कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया मेरे साथ में,
ओहो प्रभु, मैं कहाँ दीन, मैं कहाँ हीन, और इन पर उपसर्ग करता रहा, तब आ करके चरणों, ए भगवान अपराध क्षमा हो। तो लग रहा है कहीं एक को भी इनमें से पता चल गया ना तो मेरी आफत हो जाए। किन की, किन ने, इसने ऐसे महात्मा पर उपसर्ग किया, तो आकर के चरणों में प्रभु अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो। दिव्य देश नाम आया भाभी, अपराध तो क्षमा ही है पर अपने से क्षमा मांग लो, अपने से क्षमा मांग लो, कसायों का त्याग कर दो, अपने को आत्मा देख लो। भगवान बहुत अपराध किए मैंने, अरे मैंने पत्थर पटका कुक्कड़ के भव में आपको हाथी की पर्याय में आकर खा भक्षण किया, अरे मैंने गज बन करके, सिंह बन करके, भील बन करके, कितने कितने उपसर्ग आपके ऊपर किए, और आपकी संकर से लोग पूछ, और मैं पापी आपके ऊपर उपसर्ग कर रहा था, क्षमा के लायक नहीं हूँ। धन्य आपकी क्षमा भगवान, धन्य आपकी क्षमा। मैं समझ गया क्रोध से जीव कमट होता है और क्षमा से पार्थनाथ हो जाते हैं। अरे मैंने बहुत किया, अब मैं संसार से छूटना चाहता हूँ। भगवान की देशना माया रे भव्य, कुछ नहीं बिगड़ा है, आत्मा वैसा का वैसा है, और जो महिमा करी है। भगवान के मुख से दिव्य देशना सुनी और भीतर उतरा है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। किसको? कमर्ट के जीव को आत्मा की अनुभूति हो गई, मोक्ष मार्ग में लग गया। हम तो अभी कहते थे कमट वाला खराब, कमट वाला खराब, वो अब मोक्ष जाने वाले हैं। देखो तो सही, हमारे यहाँ तो ये होता है कि अपकार के बदले उपकार है, मानो 70 वर्ष आने वाले को सम्यक दर्शन दिया। इसका नाम पार्श्वनाथ की अनुयायी है। हम तो भैया जी पार्श्वनाथ की रोजाना ही जप लगाते हैं और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उनको स्तोत्र पढ़ते हैं, अरे भैया क्षमा और क्रोध खूब करते हैं, तो अनुयायी किसके? यदि पार्श्वनाथ की अनुयायी हो तो क्षमा की अनुयायी बनो। केवल ज्ञान में सम्यक दर्शन हुआ और फिर पूरे भरत क्षेत्र में भगवान का मंगल विहार हुआ, विहार होता हुआ अंत में कहाँ पहुंचे हैं प्रभु है? दुनिते ओ रही देव दुनिति अद्वतता तुमही सुकेरु, सुनकर बाब जीव आनंद में समझ रहे थे सुध जी। कोई कोई धन्य भाग तो सत चरण मुनि पद की दीक्षा लेते, कोई सम्यक दर्शन पाते, कोई से श्रावक होते। कमट जीव भी शांत चेते हो सम्यक दर्शन पाता है, पार्थ प्रभु के जीवन गाता सभी को। कोई ने दिगंबरी दीक्षा धारण की, कोई ने सम्यक दर्शन लिया, कोई ने श्रावक के व्रत लिए, कमट के जीव ने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, आत्मानुभूति कर ली, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर ली। कोई अरे देखो बाबो की विचित्रता, भ्रात दीनता छोड़ दो, आनंद मैंने प्रतिपत में स्वयं स्वयं। हम इससे पाप करें हम कैसे बदल सकते हैं? वे कह रहे हैं भैया भावों की विचित्रता है, ऐसा पापी जीव भी समदृष्टि हो गया। न आनंद मैंने व्रति पथ में स्वयं,
नहीं कोई है संगी साथी भोगों का सुख कल्पना, शांत चेते और सारो निज बदलाओ अन्न भी आओ आओ निर्द्वंद आत्म आराधन ही शिव दाता है। अर्थ प्रभु की जीवन गाथा सबको आन। इस प्रकार से भाई भावों की विचित्रता समझ करके दीनता को छोड़ देना चाहिए। और भगवान का बिहार हो रहा था, भगवान के समोसरण में स्वयंभू आदि दस गणधर, कितने दस गणधर, 350 सुत केवली द्वादशांग पाठी, कितने 350, 10,000 उपाध्याय महाराज, कितने 10,000 उपाध्याय पढ़ाने वाले महाराज, पठन कराने वाले 14,000 अवध ज्ञानी मुनि महाराज, कितने 750 मन पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज, 750, 1,000 उन्हीं के समान केवली, वही केवल ज्ञान हो रहा है समोसरण सुनते जाते, 1,000 रिद्धिधारी मुनि महाराज, 6,000 मुनिवर बाजूवाद में निपुण थे, कुल 16,000 मुनिवर, कितने मुनि महाराज कितने थे बोलो, 16,000 महामुनि महाराजों की, भगवान के समोसरण की, 16,000 मुनिवर, 36,000 आर्यकांड, कई थे तुम लोग संख्या में साझा, 36,000, 16,000 मुनराज और माताजी कितनी थी 36,000 दूधे देवी है, तो मैं कह रहा दूधी दूधी मिलती संख्या, ऐसा ही है, योग है। कहते हैं उनमें सुलोचना नाम की आरिका मुख्य थी और श्रावक श्राविकाओं की संख्या तो कोई पार नहीं, 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 3 श्राविकाएं हैं। हाँ, श्रावक श्राविकाओं की संख्या में 1,00,000 श्रावक थे और 3,00,000 श्राविकाएं, हाँ। स्वर्ग के देव और वन के पशु और दिव्य वाणी सुनने वाले उनकी तो संख्या का पार नहीं था। ऐसा विहार करते हुए परमात्मा अंत में ऐसे समोसरण सहित विहार करके अंत में कहाँ पहुँचते हैं, बाले अति तेरी पार्थ प्रभो समीदित करते मो, अंत में स्वर्ण बद्ध चौक पर पहुंचे, भगवंत एक माह पहले ध्यान में मग्न हो गए और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन उस मंगलकारी टोंक से निर्वाण की प्राप्ति कर ली। बोलो पार्श्वनाथ भगवान क्षमा वावे अरु ब्रह्मचार्य का एकादर्श प्रति वावे विवोरी हुआ चरणों में नमन करूं त्रिभुवन नामी, ब्रह्मचर्य निर्दोष पूर्णयो यही भावनाय, परम ब्रह्म शाश्वत परमात्म बार कुछ न सुवात, पात प्रभु की जीवन गाथा अंतिम प्रेरणा है, सर्व समर्पण हो स्वभाव में निर्विकार निर्ग्रंथ। कभी बार श्रद्धेय बड़े पंडित साहब अपनी भावना बा रहे हैं कि मैं इस गाथा के फल में ये मुझे प्राप्त हो, हम भी यही भावना बाते हैं, निर्वांचक निर्भय जीवन हो स्वयं स्वयं में निजानंद रस का आस्वादी पर दुर्वेदन में असम। बोले मैंने अपनी आत्मिक आनंद को पान किया है, अब भोगों का वेदन करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं तो आनंद करते हैं, हमें आत्मा का आनंद मिल गया, अब इस दुर्वेदन में असमर्थ हैं। निचे हुआ सदेगा निज में निज से ही मंगल मोक्षार, बस यो
कदन से भाई अपना भाव सुजाता है। पार्थ प्रभु की जीवन गाता सभी को आनंद दाता है। वेद विज्ञान जगाती और मैं समता भाव उलझवाजे पार्श्वनाथ भगवान। ऐसे भगवान का मांगलिक चरित्र अपन ने शिक्षा ली। कल दूसरा चरित्र अपन प्रारंभ